चर्च। बहुत ही गंभीर स्थिति है कि महाप्रभु का जो आंदोलन है उसको हमें बहुत ही गंभीरता से लेना होगा। भारत भूमि ते हैले मनुष्य जन्म यार जन्म सार्थक करी कर परोपकार करो। मैं तो इसी को दिखा रहा हूँ। तो जन्म सार्थक करने के लिए हमें खुद को शास्त्र पढ़ने पड़ेंगे पहले। तो आप सब लोगों ने DYS तो किया होगा, उसमें वेदास के लिए पढ़ाया भी हो, सुना भी होगा। तो मैं उसमें डिटेल्स में नहीं जाऊंगा कि वेदास क्या है। मैं आज का जो पर्पस है सेशन का वो ये है कि आप ये समझें कि उनको पढ़ना क्यों ज़रूरी है। हम जान तो जाते हैं लेकिन हम उनको पढ़ने का हमारे अंदर बिल्कुल भी उत्साह नहीं आता है। अभी वीडियो देख करके कितने लोगों को आया कि नहीं मुझे पढ़ना चाहिए। दो वीडियो देखा ना, कितने लोगों को लगा कि अगर मैं नहीं पढ़ूंगा तो मैं बड़ी मुसीबत में हूँ। बिल्कुल हूँ। अभी कैसे हूँ अभी और डिटेल में जा करके देखेंगे इसको। शास्त्र हमें बताते हैं क्या, हु एम आई, मैं कौन हूँ, वेयर आई हैव कम फ्रॉम, मैं कहाँ से आया हूँ, वेयर डू आई गो आफ्टर डेथ, मुझे मृत्यु के बाद कहाँ जाना है, वट इज़ द पर्पज ऑफ माई एग्जिस्टेंस, मैं यहाँ क्यों हूँ, हु इज़ गॉड, भगवान कौन है, हाउ आई एम आई रिलेटेड टू गॉड, मेरा भगवान से संबंध क्या है। अब ये सवाल क्या कोई जानवर कर सकता है? नहीं कर सकता। और क्या ये गूगल करके वो कैसे करके खोजबीन करके किताबें पढ़ के कर सकता है? अगर वो शास्त्र की हेल्प ना ले, शास्त्र भी पढ़ेगा, गूगल पे जाएगा तो शास्त्र भी पढ़ेगा ना। कोई हैरी पॉटर की किताब पढ़ के तो उसको ये नहीं पता लगने वाला कि मैं, कोई कॉमिक बुक पढ़ के नहीं उसको पता चलेगा ना कि मैं कौन हूँ और क्यों हूँ, ये कौन बताएगा, शास्त्र बताएंगे हमें। तो चार चीज़ें इंसानों में और जानवरों में कॉमन है, एक जैसी हैं। कौन कौन सी हैं? बहुत सरल सवाल है, अभी बेसिक से शुरू कर रहा हूँ मैं, बताऊँ। आहार, निद्रा, भय, मैथुन। तो फिर कौन सी चीज़ है जो हमें जानवर से अलग करती है? हाँ, हमें जो शास्त्र पढ़ना है वो हमें जानवर से अलग करता है। कुत्ता गीता पढ़ सकता है क्या? नहीं पढ़ सकता, लेकिन कुत्ता ये चार चीज़ें कर सकता है। तो आप समझ लीजिए कि जो गीता नहीं पढ़ रहा उसका जीवन कैसा है? जानवर जैसा है बिल्कुल एकदम। क्योंकि गीता हमें मैनुअल ऑफ लाइफ बताती है कि शो हो रहा है इसमें, अभी दिख रहा है सबको? Scriptures give you an eagle eye view of every situation. आप अगर जाम में फंसे हो तो क्या जाम में फंसे हो के आप देख सकते हो कि निकलना कैसे है, कहाँ रास्ता है? पता चला आप बहुत लंबे जाम में फंसे हो और इधर से ही कट है एक, लेकिन अगर आप जाम में फंसे हो तो क्या आप देख पाओगे कि इधर एक कट है? उसके लिए आपको ऊपर से देखना होगा, हेलीकॉप्टर से, जैसे ईगल होता है, ईगल इसमें है, ऊपर से देख रहा है वो। तो जब ऊपर से व्यक्ति देखेगा कि वो कहाँ पर फंसा हुआ है तब उसको पता चलेगा कि मेरे को इस साइड जाना है, मैं इधर से निकल सकता हूँ शॉर्टकट लेके, फिर वो वहाँ से निकल जाएगा। शास्त्र इसी तरह से आपको एक ईगल आई व्यू देंगे जिनसे आप देख पाओगे कि मैं कहाँ पर हूँ, और जो अभी सवाल अभी जो हमने किए थे ना उनके जवाब आपको मिलेंगे कि मैं कहाँ पर हूँ, मैं क्यों हूँ यहाँ पर और मुझे जाना कहाँ है। चार चीज़ें जो हमने अभी बात की कॉमन है जानवरों में, इसमें क्या, ईटिंग, डिफेंडिंग, मीटिंग और स्लीपिंग। जानवर भी खाते हैं, हम भी खाते हैं, हम क्या थोड़ा अच्छा खा लेते हैं। डिफेंडिंग, हम भी अपनी रक्षा करते हैं, अपने लिए घर बनाते हैं, जानवर ही अपने लिए घर बनाते हैं। स्लीपिंग, हम भी सोते हैं, जानवर भी सोते हैं। मीटिंग, बच्चे हम भी पैदा, जानवर ही पैदा करते हैं, हम भी कर लेते हैं। तो फिर अंतर क्या है फिर हम में और जानवरों में? ईटिंग, स्लीपिंग, मीटिंग, डिफेंडिंग, ये तो सब कॉमन है। कौन सी चीज़ है जो हमें जानवर से अलग करती है? आहार, निद्रा, भय, मैथुन, समानेतर पशु भी नराणाम, धर्मो ही एको अधिको विशुद्ध, धर्मे ने ही ना पशु भी समाना। धर्म जो है हमें
जानवरों से अलग करता है। और धर्म कौन सिखाता है हमें? शास्त्र सिखाते हैं हमें। तो पहले हम खुद जानें कि धर्म है क्या, तभी हम परोपकार कर पाएंगे, तभी हम धर्म का प्रचार कर पाएंगे। इसलिए हमें खुद से शास्त्रों को पढ़ने की बहुत ही गंभीर स्थिति है इस समय, क्योंकि अधर्म अपने पूरे चरम सीमा पर है। व्हाट इज टू नो व्हाट इज धर्म जस्टिस नो व्हाट इज द टॉप मोस्ट मोरालिटी। अगर हम शास्त्र नहीं पढ़ेंगे तो हम कभी जस्टिस नहीं कर पाएंगे, क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि आपको गलत चीज़ सही करके दिखाई जाती है और आप सही से उसका निर्णय नहीं ले पाते हैं। लेकिन जो धर्मराज युधिष्ठिर महाराज हैं और जो पहले के जो शासक हुए, वो लोग तुरंत सही न्याय करते थे। इसलिए आजकल सही न्याय नहीं होता, क्योंकि धर्म का किसी को भी ज्ञान नहीं है कि किस प्रकार से जस्टिस, किस प्रकार से न्याय किया जाए। क्योंकि शास्त्र हमें नैतिकता बताते हैं कि नैतिकता का उच्चतर मूल्य क्या है, उच्चतम मूल्य क्या है नैतिकता का। जैसे कि झूठ बोलना क्या है? पाप है। लेकिन मान लीजिए अगर किसी की हत्या होने जा रही है, क्या तब झूठ बोलना पाप है? नहीं है। लेकिन ये कौन बताया? शास्त्रों ने बताया कि कहां कहां पर झूठ बोल सकते हैं। टॉप मोस्ट मोरालिटी क्या है ये हमें कौन बताते हैं? शास्त्र बताते हैं। जैसे दो भाई थे, तो एक भाई को क्या हुआ, उसको बीमारी हो गई कुछ शुगर की या किसी उसकी, तो उसकी माँ ने उसको कुकीज़ बहुत पसंद थी लेकिन वो उसको नहीं दे रही थी, तो वो बहुत रो रहा था। अब छोटे भाई ने क्या किया, चुपके से जा करके ला करके उसको दे दिया। क्यों? क्योंकि बड़ा भाई है तो उसकी बात माननी चाहिए, मोरालिटी है ना, नैतिकता है, जाके उसको दे दिया। अब बताओ इसमें उसने सही किया या गलत किया? गलत किया। अब एक दूसरा एग्जाम्पल देता हूँ। मान लीजिए किसी के माता पिता के पास बहुत सारी प्रॉपर्टी है लेकिन वो उसको दे नहीं रहे क्योंकि वो नालायक है। अब उसने प्लान बनाया कि मैं जहर दूंगा उन्हें। अब साइंस उसको बताएगी कि कितना जहर देना चाहिए, कौन सा देना चाहिए और किस समय देना चाहिए, उस हिसाब से। लेकिन देना चाहिए या नहीं देना चाहिए कौन बताएगा? ये बताते हैं शास्त्र। क्या? कि पितृ धर्म क्या है, माता पिता क्या है, हमारे गुरु हैं। और एक और एग्जांपल से बताता हूँ। एक बार एक बच्चा बहुत शैतान था, वो माँ से अपने पैसे मांग रहा था, उन्होंने नहीं दिए और घर से बाहर निकाल दिया। फिर उसके मामा आए, वो रो रहा था बहुत। मामा ने पूछा क्यों रो रहे हो, क्या हुआ? बोले माँ पैसे नहीं दे रही, बहुत बुरी है माँ, उसको दया नहीं आ रही, मेरे को खाने के लिए पैसे नहीं दे रही। मामा ने क्या कहा, चल मैं दे देता हूँ। मामा ने दे दिए और वो गया तो माँ को उसने बताया कि मामा ने कि मैं उसको पैसे दे दिया, तुम तो ऐसे करती हो, छोटा बच्चा है उसको इतना थोड़ी ना ऐसे किया जाता है, मांग रहा है दे दो, क्या दिक्कत है। तो माँ क्या बोलती, तुम्हें नहीं पता ये पैसे लेके जाएगा और जाके पान मसाला खाएगा, सिगरेट पिएगा जाके। अब बताओ मामा ने अच्छा काम किया बुरा काम किया? क्यों, अच्छा नहीं किया? बच्चे की हेल्प की, बच्चा रो रहा था, रोते हुए बच्चे को छुपा दिया, अच्छा काम नहीं है। अब ये कौन बताएगा उनको कि उनको क्या करना चाहिए, धर्म क्या है, जस्टिस क्या है? इस समय उस समय उनका क्या धर्म था, कौन बताएगा? ये शास्त्र बताएंगे। इसलिए शास्त्र हमें पढ़ना है। और एक और एग्जांपल आपको देता हूँ मैं, जो लोग बहुत ज़्यादा आजकल बहुत चल रहा है ना कि किसी बच्चे को जाके खिला दिया और उसको हंसा दिया और फिर वीडियो बना लिया और यूट्यूब पे डाल दिया, देखो ये जो मुस्कान है इसका मोल कुछ भी नहीं है, तुम क्या करते हो, शिवलिंग पे जाके दूध चढ़ाते हो, इस बच्चे को दे दिया होता देखो ये कितना खुश हो गया। अब एक जो समझदार इंसान होगा वो ये सोचेगा ना कि ये यहाँ पर है क्यों, इसकी स्थिति ऐसी है क्यों, ये यहाँ है क्यों, इसके माँ बाप के पास पहुँचा दूंगा तभी ये सुखी हो जाएगा, या मेरे आज दूध पिलाने से ये हमेशा के लिए जिंदगी भर का तो नहीं होगा ना उसका। तो
उसको फिर क्या करेगा, वो जाके उसके माँ बाप के पास पहुँचा देगा अगर, तो फिर वो खुश ही हो जाएगा जिंदगी भर के लिए, उसके सारे दुख खत्म हो जाएंगे। तो ये न्याय हमें कौन सिखाता है? शास्त्र ही सिखाते हैं, और कोई नहीं सिखा सकता हमें। पहले हमें खुद को जानना होगा कि हम कौन हैं। इसलिए शास्त्र कैसे शुरू होते हैं? अथातो ब्रह्म जिज्ञासा से शुरू होते हैं। हम जब तक शास्त्र नहीं पढ़ेंगे, हम कभी नहीं जान पाएंगे कि हम आत्मा हैं और इस शरीर में कैद हैं। खुद से कभी जान सकते हैं? अगर किसी ने गीता नहीं पढ़ी होगी तो क्या कोई उसको सपना आएगा कि मैं आत्मा हूँ और मैं शरीर में कैद हूँ? नहीं, उसको पढ़ना होगा तभी वो जानेगा। और उसके लिए क्या चाहिए? रहस्य जानने के लिए भक्तो असी में सखा चेति। गीता ही बता रही है कि गीता कैसे पढ़नी है। भगवान बता रहे हैं क्या, अर्जुन तुम मेरे शिष्य हो, मेरे सखा हो, मेरे भक्त हो, इसलिए मैं तुम्हें ये रहस्य बता रहा हूँ। तो सामान्य लोग भी गीता पढ़ते हैं, लेकिन वो इस रहस्य को क्यों नहीं समझ पाते? क्यों? क्योंकि भगवान के फेवरेबल, उनके अनुकूल नहीं होते हैं। इसीलिए शास्त्रों का रहस्य अगर समझना है तो पहली क्वालिफिकेशन क्या है, क्या होना होगा? उनके अनुकूल होना होगा, भगवान के पक्ष में आना होगा। लोग अलग अलग लेवल पे जिंदगी जी रहे हैं। कई, जैसे भगवान गीता में ही बता रहे हैं, इंद्रियाणि पराण्य आहुर इंद्रिभ्यो परामना मना सस्तु परो बुद्धि यो बुद्धे परस्तस्तु सा। कुछ लोग शरीर के स्तर पर जी रहे हैं, कुछ इंद्रियों के स्तर पर जी रहे हैं, कुछ मन के स्तर पर जी रहे हैं, और कुछ जो ज़्यादा एडवांस है वो बुद्धि के स्तर पर जी रहे हैं। लेकिन सबसे ऊपर कौन है? जो आत्मा के स्तर पर जी रहा है। जैसे APJ अब्दुल कलाम से किसी ने पूछा कि आपने शादी क्यों नहीं की, वो क्या बोले? मुझे याद ही नहीं रहा। मतलब वो अपनी बुद्धि में इतना आनंद का अनुभव कर रहे थे कि उनको शरीर की आवश्यकता है याद ही उनको बिल्कुल नगण्य हो गई एकदम। तो बुद्धि के लेवल पर जो पहुंचता है उसके लिए शरीर की जो आवश्यकता है वो खत्म हो जाती है। और बुद्धि के लेवल पर पहुँचने के लिए क्या करना है? शास्त्र पढ़ने हैं। शास्त्रों से हम ज्ञान में स्थित होते हैं, इटर्नल ब्लिस। केवल शास्त्रों को पढ़ के ही कोई शाश्वत आनंद की अनुभूति कर सकता है। जैसे कि एक लहर होती है ना, जो खुशी होती है जो भौतिक सुखों से हमें मिलती है, वो लहर की तरह समुद्र की ऐसे करके उठेगी, ऊंची जाएगी, फिर नीचे आ जाएगी। लेकिन जो आध्यात्मिक सुख है जो आपको शास्त्रों को पढ़ के मिलेगा, वो क्या है? वो फाउंटेन की तरह है। फाउंटेन ऊपर जाता है और रुक जाता है वहाँ, उसको बोलते हैं ब्लिस, परम आनंद। वो कैसे मिलेगा? शास्त्रों को पढ़ने से ही मिलेगा। कुछ लोग शरीर के लिए जी रहे हैं, ये दिख रहा है, जैसे इसमें बाल कटवा रहा है अपने, मेरे बाल कैसे दिख रहे हैं, मैं कपड़े कैसे पहन रहा हूँ, मेरे नाखून, नेल पार्लर्स भी हैं आजकल। कुछ लोग जो, उसको क्या बोलते हैं? देह रंजन, अपनी देह से आनंद लेना। और कुछ हैं वो इंटरटेनमेंट से आनंद लेते हैं, उसको क्या बोलते हैं? मनोरंजन। आप देखो 70-80% लोग मनोरंजन में ही फंसे हुए हैं। मूवीज देखना, सॉन्ग्स देखना, ये कॉमेडी वो कॉमेडी, ये रील्स ये शॉर्ट्स देखते जा रहे हैं, मनोरंजन में फंस रहे हैं, फंसे हुए हैं बुरी तरह से, और ऊपर उसके नहीं उठ पा रहे हैं। लेकिन सबसे ज़्यादा आनंद किस में है? आत्मरंजन में। और वो कहाँ मिलता है? भगवान की भक्ति करने से, मंत्र मेडिटेशन करने से, जप करने से। कौन सा? हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे। और ये हमें कौन बताते हैं? शास्त्र बताते हैं। तो आत्मरंजन जिसको चाहिए उसको क्या करना होगा? शास्त्र पढ़ने होंगे। लाइफ में आपको अगर डिसीजन लेना है तो जब तक आपने शास्त्रों को ठीक से पढ़ा नहीं होगा तब तक आप सही डिसीजन कभी नहीं ले पाएंगे। अभी कुछ साल पहले की ही बात है, एक IAS था, उसने सुसाइड कर लिया। क्यों? क्योंकि वो अपनी पत्नी और सास, अपनी माँ के झगड़ों से परेशान था। क्योंकि उसको किसी ने बताया नहीं कि तुम आत्मा हो, 84 लाख योनियों से भटक रहे हो, ये मनुष्य शरीर मिला है आत्मज्ञान के लिए, ये जानने के लिए कि मैं कौन हूँ, शास्त्र पढ़ने के लिए, धर्म जानने के लिए, भगवान को जानने के लिए।
अगर उसको ये बताया होता तो क्या वो इस छोटी सी बात के लिए सुसाइड करता? ये डिसीजन उसने गलत डिसीजन क्यों लिया? क्यों? क्योंकि उसने शास्त्र नहीं पढ़े थे। इसलिए प्रहलाद महाराज कहते हैं कौमारम आचरित प्रज्ञो, कुमारावस्था से ही, यंग एज से ही शास्त्र पढ़ना आपको अभी अभी अर्जेंसी है, अभी पढ़ना होगा। बूढ़े होके पढ़ेंगे भी तो क्या, लाइफ निकल गई, उसके बाद आप पढ़ोगे लाइफ का मैनुअल, कोई फायदा उसे? कोई फायदा है जब आप पछताए हो के चिड़िया चुग गई खेत, जब बूढ़े हो गए तब पता चले जिंदगी जीने कैसी थी? जब खुद का उद्धार होगा तभी तो दूसरे का उद्धार करोगे। वो जब एयर होस्टेस होती है ना वो फ्लाइट में, तो वो क्या बोलती है, पहले मास्क खुद को लगाइए फिर अपने सामने वालों को लगाइए। तो जब तक हम खुद शास्त्र नहीं पढ़ेंगे, तो ये लोग जो आजकल बोलते हैं, एक वीडियो में देख रहा था, एक लेडीज, एक माता जी क्या बोल रही थी, तुम लोगों को तो समझ में नहीं आता, तुम्हारे खीर खाने से बच्चे हो जाते हैं, शास्त्र तुम्हारे कहते हैं कि उसने खीर खाई, उसने फूल सूंघ लिया और उसके बच्चे हो गए, ऐसा थोड़ी होता है। अब उसको कौन जवाब देगा? जिसने पढ़ा होगा, जिसको थोड़ा सा भी नॉलेज होगा वही तो जवाब दे पाएगा उसको, नहीं तो बोलेगा हाँ बात तो सही है। ना तस्य प्रतिमा अस्ति, कोई बोले आपको भगवान की प्रतिमा ही नहीं है, जैसे आजकल वो जाकिर नायक वो बीच में बताते थे, लोगों को लगता था कि हाँ उनको कहीं से कुछ भी कोट करेंगे, खुद तो पता नहीं है इसलिए कुछ भी बताया तो उसको मान लिया कि अरे मुझे तो पता ही नहीं ये सही कह रहे हैं, और उसको मान लिया कि हाँ भगवान का कोई आकार नहीं है, भगवान है ही नहीं, भगवान ऐसे ही है, यही है। बोले तुम्हारे शास्त्र धर्म नहीं सिखाते हैं, तुम्हारे शास्त्र में तो ये हुआ द्रौपदी के इतने पति थे, भगवान राम ने बाली को छुप करके मारा था, इतने सारे कॉन्ट्रोवर्सी ला के रख देंगे आपको शास्त्रों से, वो उड़ा देंगे बिल्कुल। अभी एक मूवी आई थी उसका क्या डर होता कि जब तक आप किसी को अपने बच्चे को धर्म नहीं सिखाओगे कोई आपको अधर्म सिखा देगा। और भगवान गीता में कह रहे हैं जन्म कर्म च मे दिव्यम एवं यो वेति तत्वतः त्यक्त्वा देह पुनर्जन्म नेति मामेति स्वजनम्। दिव्यम, दिव्यम का क्या अर्थ होता है? दिव्यम का मतलब होता है कि जो चीज हम खुद से नहीं जान सकते, नॉलेज, जैसे पड़ोसी का नाम मैं खुद से जान सकता हूं जब तक मैं उससे पूछूं नहीं, अगर मैं गूगल करके देखूं मेरे पड़ोसी का क्या नाम है तो पता चलेगा मुझे? सिंपल सी बात है भाई, जाके उससे पूछ लो। तो भगवान जब गीता में खुद बता रहे हैं कि मेरे को जानो, तो भगवान से हम सीधे सुन लें, हमें गीता भगवान बता रहे हैं तो उसमें श्री जगन्नाथ बोले सुभद्रा सुदर्शन की जय। तो हमें भगवान के कार्य को समझने के लिए शास्त्रों को पढ़ना अत्यंत आवश्यक है, नहीं तो हम उनको नहीं समझ सकते। व्हाट वी डू व्हाई वी डू, अगर कोई आपसे पूछे ये क्या करते हो तुम, आरती घुमाते हो, क्यों घुमाते हो, क्या है ये, सुबह सुबह मंगल आरती में क्या गाते हो, कौन है ये, किसकी पूजा करते हो, जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा सुदर्शन कौन है ये, आरती ऐसे ही क्यों घुमाते हो, ऐसे करके क्यों नहीं घुमाते हो, ऐसे प्रणाम क्यों करते हो, सब तो ऐसे करते हैं। अगर आपने पढ़ा नहीं होगा तो आप बता पाओगे? इसलिए आपको पढ़ना जरूरी है। क्यों? अब आप यहाँ आ रहे हैं तो बाहर कोई भी आपको बोल सकता है कि आपको पकड़ के वीडियो बनाएगा, बोलेगा आप इस्कॉन से जुड़े हो, इस्कॉन में आते हो, अच्छा ये बताओ, और तुरंत उसको वायरल कर देगा, बोलेगा ये देखो इस्कॉन वाले उसको ये दो। तो अभी अर्जेंसी है पढ़ने की, आपको शास्त्रों को पढ़ना होगा, भगवद गीता श्रीमद् भागवतम जो यहाँ पर कक्षाएं होती हैं उनको अटेंड कीजिए, लेक्चर सुनिए और भगवद गीता और बुक्स प्रभुपाद की पढ़ने का प्रयास कीजिए, तभी आपके डाउट्स क्लियर होंगे कि ऐसा है ऐसा क्यों नहीं है। संशय आत्मनिश्चिति, अगर संशय रहेंगे दिमाग में तो वो आपको लेडी उड़ेंगे। फिर डाउट्स कैसे दूर होंगे? शास्त्रों को पढ़ने से दूर होंगे, क्योंकि हमें पता चलेगा हम क्यों कर रहे हैं, किस लिए कर रहे हैं। अदरवाइज कोई भी आपको आ करके आपके माइंड में कुछ भी जहर घोल देगा और आप उसको मान लोगे। क्यों? क्योंकि आपने खुद से तो कभी उसे पढ़ा ही नहीं, समझा ही नहीं, जाना ही नहीं, तो आप कैसे बता पाओगे उसको, है ना। और फिर जैसे कि पहले ही हमने बताया था, महाप्रभु बोलते हैं कि जब भारत भूमि से मनुष्य जन्म हिल्यार जन्म सार्थक करी, अभी आपने जन्म सार्थक किया
आपने डिसीजन बनाना सीख लिया, आपके अंदर एफिशिएंसी आपकी बढ़ गई, आपके अंदर एक पावर आ गई एक शास्त्रों को पढ़ के, तो विद ग्रेट पावर कम्स ग्रेट रिस्पॉन्सिबिलिटी। स्पाइडरमैन के फादर ने उसको बोला था, पीटर पार्कर ने, अगर किसी ने मूवी देखी हो बचपन में तो वो लाइन मेरे को बहुत टच किया था। वो मरते मरते उनको बोलते हैं उसके अंकल की, डियर पीटर विद ग्रेट पावर कम्स ग्रेट रिस्पॉन्सिबिलिटी। उनको लगता है कि अभी जवान हो गया है तो ये ज़्यादा उत्पात मचा रहा है, अब उनको क्या पता है कि ये तो स्पाइडरमैन है। तो ऐसा है कि हम शास्त्र जब पढ़ लेते हैं तो हमें चीज़ों को देखने का हमारा नज़रिया पूरा चेंज हो जाता है। फिर हम जो व्यक्ति छोटी छोटी चीज़ों में उलझा हुआ है उसको हम निकाल सकते हैं वहाँ से सही निर्णय करके। तो इसलिए हमें पहले खुद को, अपने मन को शांत करना होगा, इंद्रियों को कंट्रोल करना है। ये किसने बताया? शास्त्रों ने बताया, क्योंकि जानवर अपने इंद्रियों को नियंत्रित नहीं करता है, कुछ भी मिलेगा खा लेगा, कुछ भी, किसी को भी अपनी वो सिस्टर मदर कुछ नहीं देखता, वो सबसे भोग करेगा, उसको इतनी विवेक नहीं है। विवेक हमें जानवर से अलग करता है, और वो विवेक कौन देता है? शास्त्र देते हैं। इसलिए हमें भगवद गीता भागवतम पढ़ने की अभी अर्जेंसी है, ताकि हम खुद पढ़ें और दूसरों को बता सकें, सनातन धर्म का प्रचार कर सकें। सनातन धर्म क्या है कि हम भगवान के नित्य दास हैं, जीव रे स्वरूप है कृष्ण रे नित्य दास। और सबसे बड़ी बात जो ये सब शास्त्रों को पढ़ने के बाद प्रभुपाद क्या बता रहे हैं कि क्या मिलेगा हमें, यू कैन सी कृष्णा इन द पेजेस ऑफ श्रीमद् भागवतम। आप भगवान का दर्शन कर पाएंगे शास्त्रों में। कैसे? भगवान कहते हैं मैं आकार हूँ। आकार का मतलब होता है कि भगवान हर अक्षर में है, हर शब्द में शास्त्रों के भगवान हैं। कोई भी अक्षर आ के बिना पूरा नहीं होता। का खा गा घा ढा जो भी है सबके अंदर छोटा आ छुपा हुआ है, अगर वो नहीं होगा तो वो आधा रहेगा, वो पूरा नहीं होगा। तो भगवान कह रहे हैं मैं आकार हूँ। तो जब आप शास्त्रों को पढ़ोगे तब भगवान आपको खुश होकर के अपना अनुभूति कराएंगे, और उस अनुभूति के द्वारा आपको और प्रेरणा मिलेगी, और आप और तत्परता से उसको पढ़ोगे और आप संसार में सबको बता पाओगे कि शास्त्र पढ़ना क्यों ज़रूरी है। जो दुष्प्रचार हो रहा है ना, उस दुष्प्रचार को आप रोक पाओगे। अगर आप धर्म नहीं सीखोगे तो कोई भी आपको अधर्म सिखा देगा। इसलिए आज इसका निष्कर्ष यही है कि अभी जो वीडियोस आपने स्टार्टिंग में देखा था कि कल कोई आपसे पूछे कि बताओ भगवान राम का नाम क्या है, तो आप बता पाओ उनका नाम है श्री रामचंद्र। भगवद गीता का श्लोक क्या है, पहला श्लोक कैसे शुरू हो रही है? धर्म क्षेत्र कुरुक्षेत्र समवेता युद्ध सभा माम का पांडवा सेवा किम कुरु। ये छोटी छोटी चीज़ें भी लोगों को नहीं पता है, क्योंकि लोग पढ़ते ही नहीं है, किसी ने बताया नहीं पढ़ने की क्या ज़रूरत है। तो मैंने यहाँ पर कुछ फ़ायदे आपको बताए, जो कि फ़ायदे क्या है, फ़ायदे तो वो होता है ना कि हम लेना चाहें नहीं लेना चाहें, ये तो एक ऐसी चीज़ है कि हमें लेनी ही लेनी है। अगर हम नहीं लेंगे तो जानवरों से अलग नहीं है हमसे, इसीलिए हमें पहले लेना चाहिए। जन्म सार्थक करी फिर कर पर उपकार, फिर हमें दूसरों का उपकार करना चाहिए, उनको ये पढ़ाना सिखाना चाहिए। हरे कृष्णा। मैं यही विराम दूंगा, कहने को तो बहुत कुछ है लेकिन हमें शुरुआत में जो दिक्कतें हुई उस वजह से हमें समय काफ़ी मिल नहीं पाया, इसलिए मैंने थोड़ा जल्दी जल्दी समझाने का प्रयास किया। होपफुली आप लोग को समझ में आया होगा, और अब आप पढ़ना शुरू करेंगे। कौन कौन गीता पढ़ना शुरू करेगा, कि प्रभुपाद की किताबें पढ़ना शुरू करेगा? सब पढ़ेंगे। कितनी देर पढ़ेंगे? एक घंटा, आधा घंटा? प्रोसेस प्रॉमिस कर रहे हैं ना? कितने लोगों के पास आएगा, नहीं तो फिर कितने लोग? कितने लोग हैं जिनके पास नहीं है? जिनके पास नहीं है वो लोग अभी ले करके जाइए, और आज से ही ये प्रण लीजिए कि मैंने जाना है कि मेरे को क्यों पढ़ना है, और मैं अब से पढ़ूंगा, अपने लिए पढ़ूंगा, फिर बाद में दूसरों का उद्धार कर पाऊंगा। पहले ऑक्सीजन मास्क खुद लगाऊंगा, तब मैं उसको लगा पाऊंगा, ठीक है? इसलिए आज से पढ़ना है सबको। हरे कृष्णा। किसी का कोई क्वेश्चन है तो एक आध क्वेश्चन कुछ ले सकते हैं, इसमें कुछ क्लियर कुछ है डाउट अगर, तो वैसे तो ऑलरेडी हो गया, आप पर्सनली भी मुझसे मिल सकते हैं, और कुछ डाउट है तो क्लियर कर सकते हैं।
तो अभी यहीं कंक्लूड करेंगे, आप लोग प्रसाद लीजिए। हाँ हरे कृष्ण। हाँ उसके लिए एक अलग से हम सेशन करेंगे, व्हाट वी डू व्हाई वी डू। तो हम छोटा सा हमें ये ऐसा समझना चाहिए कि जो आरती है वो एक भक्त अपना जो हृदय है ना, जो ज्योति है ना, वो उसका हृदय भगवान के विरह में ऐसे जल रहा है और वो उसको अर्पण कर रहा है कि भगवान मेरे जीवन का, मेरी आत्मा का केंद्र आप हो। कई सारे मीनिंग हैं इसके। भगवान राधा कृष्ण को हम दिखा रहे हैं तो हम भगवान को आनंद प्रदान कर रहे हैं और उनको बुरी नज़र से बचा रहे हैं। वैसे भगवान को नज़र तो लगती नहीं है, लेकिन क्योंकि हम भगवान के प्रति प्रेम जाहिर कर रहे हैं तो हम भगवान को सारी नकारात्मक ऊर्जाओं से बचाने के लिए आरती दिखाते हैं। जैसे आपने देखा होगा घर में भी जब आप बाहर से आते हैं तो माँ आपको क्या करती है, आरती करती है। तो और भी कई सारे रीज़न है, अग्नि तत्व है, हम भगवान को पांचों तत्व अर्पण करते हैं तो आरती के द्वारा हम भगवान को अग्नि तत्व अर्पण करते हैं। तो आप डिटेल में और समझेंगे जो अलग से सेशन होगा, व्हाट वी डू व्हाई वी डू, इसमें हम अलग से क्लियर करेंगे इसको डिटेल में, ठीक है। अभी के लिए इससे समझ में आ गया होगा। हरे कृष्ण। तो प्रभु जी का रिक्वेस्ट है कि हम अगला सेशन व्हाट वी डू व्हाई डू व्हाई वी डू पर ही करें। तो कितने लोग सहमत हैं कि होना चाहिए? तो हम लोग ट्राई करते हैं नेक्स्ट सेशन कि हम जो छोटी छोटी चीज़ें जो हम करते हैं यहाँ पर वो क्यों करते हैं इसको हम जाने, तभी तो हम किसी को बता पाएंगे, है ना। भगवान इतना बड़ा पत्थर बना सकते हैं क्या कि जिसको भगवान खुद ही नहीं उठा पाए? भगवान अपना मच्छर नहीं उड़ा सकते तो तुमको क्या बचाएंगे? ये सब सवाल आप तभी आंसर कर पाएंगे जब आपने खुद से पढ़ा होगा। इसलिए आज से ही ये छोटा सा जो आधे घंटा भी अगर आपको समझ में आया तो इसको आप आज से ही पढ़ना शुरू कीजिए, अपने जीवन में उतार लीजिए, शास्त्रों को जीना शुरू कीजिए। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा। संप्रभु जी धन्यवाद देंगे। मैं लवली चैंपियन हरे कृष्णा महामंत्र। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 राम।